दोस्तों आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो और आप अपने शॉर्ट वीडियोस के लिए अच्छे अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको के लिए कुछ ऐसे बड़े क्रिएटर शॉर्ट क्रिएटर्स के बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर आ गया हूं, जिन्हें आपको आप हो सकता है बहुत लंबे समय से उन सारे बैकग्राउंड म्यूजिक को ढूंढ रहे होंगे। आपको जैसे वो बैकग्राउंड मिलेगा आप खुद सजाओगे, पाएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा पुराना डायलॉग, ये आपके भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हे गाइस, मैं आपका फिर एक नए वीडियो के साथ हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके शॉर्ट वीडियोस के लिए पांच ऐसे बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर आ गया हूं, जिसे आप इजीली अपने शॉर्ट वीडियोस में वॉइस ओवर करते वक्त यूज कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट्स क्लेम के। और फिलहाल जो मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक जो मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में चल रहा है, इस म्यूजिक के लिए मैंने बहुत सारे कमेंट बहुत सारे मैसेजेस देखे था और लोगों के बड़े बड़े जो शॉर्ट क्रिएटर के कमेंट में लोगों ने इस बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में पूछा, भैया आपने जिस बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया प्लीज उसका नाम बता दो। लेकिन वो बड़े क्रिएटर है मेरे दोस्त, वो आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं देने वाले। लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है, जहाँ पर एक टॉपिक पर या एक क्वेश्चन जो लोग बार बार चार से पांच लोग कमेंट करते हैं उसके बारे में पूछते हैं, उसका रिप्लाई दे देना चाहिए। मैं तो फिलहाल सभी के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश नहीं, रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी थी जहाँ पर एक गिस्पी नाम से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक था जिसको बहुत लोग ढूंढ रहे थे, उसका भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट क्रिएटर उसके कमेंट में देखा था, तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश, और ये भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मैंने बहुत ही ढूंढने की कोशिश की लेकिन शुरू में नहीं मिला, लेकिन आखिर में ये बैकग्राउंड मिल चुका है जो कि मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी के बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे दूसरे बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है इन पेसेस, जो कि अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। सिंपली इस बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज आप ऐसे शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते होंगे जैसे जो घटनाओं या हिस्ट्रिकल या रिसर्च के बारे में, जहां पर रिसर्च करते वक्त ऐसे कुछ मतलब हो गया हो, ये आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वहां पर उस तरह के शॉर्ट वीडियोस पर बहुत ही मैच करेगा और व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। तो सिंपली इसका लिंक क्या करना है, कॉपी करना है, यूट्यूब से कॉपी करना, शेयर लिंक क्रोम पर जाना है, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिखकर सर्च करके लिंक को पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा और इस जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के टर्म कंडीशन नियम और शर्त ये होते हैं कि आप उसका 85% वॉल्यूम लेवल यूज कर सकते हो। अगर उसके ऊपर वॉल्यूम लेवल यूज करते हो तो आपके शॉर्ट वीडियो पर कॉपीराइट्स क्लेम आ जाएगा। या तो आप ऐसा अपना शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो जहां पर आप अपनी वॉइस को ऐड नहीं करते हो और सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक ही ऐड करके यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड कर देते हो, उसके भी जो वजह से आपके वीडियो पर शॉर्ट वीडियो पर कॉपीराइट्स क्लेम आ सकता है। जब भी आप अगर वॉइस के साथ आप अपने शॉर्ट वीडियोस को नहीं क्रिएट करते हो तो करना क्या, सिंपल सा अपना शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करके जैसे यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड करते हो साउंड वाले ऑप्शन से उस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, मन चाहे कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक को, और आपके शॉर्ट वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट्स क्लेम नहीं आएगा। तो हमारे तीसरे बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है मोटेंगब और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना मुझे बहुत ही पसंद आता है क्योंकि यहाँ जो बेस होता है ना मतलब भर भर के मिलता है, आप इसे सुन भी सकते हो, सुनने भी आपको अच्छा लगेगा और व्यूअर्स को भी पसंद आने वाला। तो सिंपल सा इसका भी लिंक कॉपी करना है और आप इस पर भी अपना शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। कुछ फिल्मी टाइप के एंटरटेनमेंट कैटेगरी के शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आप इस तरह के जो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने शॉर्ट वीडियोस में यूज कर सकते हो, जैसे कि रिएक्शन शॉर्ट वीडियोस, रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस में आप इस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हो, आपके जो रिस्पेक्ट वाले वीडियोस है मैच करेगा, ताल खाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे फोर्थ नंबर बैकग्राउंड म्यूजिक नाम है क्रोसोबेन, यहाँ पर थोड़ा नाम पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है तो सिंपली मैं यहाँ पर नाम भी ऐड कर दूंगा। इस बैकग्राउंड म्यूजिक को भी आप अपने शॉर्ट वीडियोस में इजीली वॉइस ओवर करते वक्त क्रिएट करते वक्त मतलब ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक में, और आपको इस वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं देखने के लिए, सिंपल सा इसका शेयर लिंक कॉपी करना है, क्रोम पर जाना है, पेस्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो हमारे अगले बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है जेरिको, इस बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी बड़े बड़े शॉर्ट क्रिएटर्स अपना शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हैं और ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा हो सकता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। तो सिंपल सा इसका लिंक शेयर लिंक कॉपी करना है, क्रोम पर जाना, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिखकर सर्च कर देना है, यूट्यूब से सिंपली डाउनलोड सॉरी क्रोम से डाउनलोड कर लेना है और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर आप अपना शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई और भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आए तो सिंपल सा उसका लिंक मुझे जो है वो शेयर कर देना, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप बार बार मुझे परेशान मत करिएगा कि भैया बैकग्राउंड म्यूजिक मिला, भैया बैकग्राउंड म्यूजिक मिला, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जैसे मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है खोजने में, तो जैसे मैं मिल जाएगा जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको सेंड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।